नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, दैट इज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड इट इज अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न, और वो है कोरोना वायरस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम जो है वो इतनी लार्ज स्केल पे हम सबको इफेक्ट कर रही है। देखिए, राहु, केतु एंड जुपिटर, दीज आर द थ्री प्राइमरी प्लैनेट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। राहु और केतु जो हैं वो दोनों बड़े मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, और दोनों ही जो है प्लैनेट्स वो लिंक किए जाते हैं सीक्रेसी से, विद डिजीजेस, विद इलनेस। स्पेशली केतु, केतु जो है वो वायरस, कीटाणु, जर्म्स का भी कारक है। राहु जो है अभी आद्रा नक्षत्र में है, अपने खुद के ही नक्षत्र में है, और केतु जो है वो मूला नक्षत्र में है। मूला भी जो है केतु का खुद का नक्षत्र है। अब क्या हो रहा है कि अपने ही नक्षत्र में होने से ये दोनों प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, और जब मेलिफिक प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो दे लीड टू डिस्ट्रक्शन। थर्ड प्लैनेट जो मैंने कहा वो जुपिटर। अब जुपिटर तो बेनिफिक प्लैनेट है, तो जुपिटर क्या कर रहा है? जुपिटर जो है इट इज द प्लैनेट फॉर एक्सपेंशन, वो जो है चीजों को एक्सपैंड करता है। तो राहु केतु क्रिएटेड द प्रॉब्लम एंड जुपिटर जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, और इस टाइम पे जो है जुपिटर और केतु वो एक साथ धनु राशि में, दोनों का भी जो है कंजंक्शन हो रखा है, तो उसके कारण जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, 9/11 जब हुआ था अमेरिका में, तब भी राहु और केतु की यही पोजीशनिंग थी जो अभी है। दैट वाज एग्जैक्टली 18 इयर्स बैक, और राहु और केतु को सेम पोजीशन में आने में, मतलब अपने ही नक्षत्र में दोबारा आने में पूरे 18 साल लगते हैं। इट टेक्स देम 18 इयर्स टू क्रॉस द जोडियाक, जोडियाक को पूरा कवर करने में राहु और केतु को 18 साल लगते हैं। तो 9/11 की सिचुएशन जब हुई थी तब भी यही प्लैनेटरी पोजीशन थी। इनफैक्ट हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब भी जो है यही प्लैनेटरी पोजीशन थी, राहु केतु वर इन द सेम पोजीशन। इन 1982 जब एड्स डिस्कवर हुआ था एंड इट वाज अ डेडली प्रॉब्लम, इट वाज डेडली डिजीज एंड इट कॉज्ड लॉट ऑफ डेथ्स आल्सो, उस टाइम पे भी राहु केतु की तो पोजीशन सेम थी ही। इनफैक्ट जुपिटर भी जो है वो सैजिटेरियस में ही था और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में ही था, जो कि अभी एग्जैक्टली वही पोजिशन अभी भी है। अब हम जो है इंडिया की हॉरोस्कोप में अगर ये ट्रांजिट लगाते हैं, अच्छा उससे पहले मैं आपको, मरकरी का भी रोल इसमें आता है। मरकरी जो है वो प्लैनेट है कम्युनिकेशन का, और मरकरी जो है वो अभी शतभिज नक्षत्र में है। हालांकि मरकरी अपने फ्रेंडली राशि में है, एक्वेरियस राशि में, धनु कुंभ राशि में, कुंभ राशि जो है वो मरकरी की फ्रेंडली राशि है, पर जो नक्षत्र है वो शतभिज नक्षत्र, शतभिज अगेन इज अ नोटोरियस नक्षत्र, और मरकरी जो है अभी तक रेट्रोग्रेड था, अभी 10 मार्च को कल ही जो है वो डायरेक्ट हुआ है। तो क्या हो रहा था मरकरी का रेट्रोग्रेशन से और शतभिज नक्षत्र से? इट वाज क्रिएटिंग कंफ्यूजन्स, अपार्ट फ्रॉम कंफ्यूजन इट वाज क्रिएटिंग मिसकम्युनिकेशन के साथ र्यूमर्स बहुत फैल रही थी, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत कैरी हो रही थी, विच वॉज एडिंग मोर टू द यू नो नेगेटिव साइड ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्लीज़ किसी भी तरह के र्यूमर्स में को मत बिलीव करिए, WHO की जो रजिस्टर्ड साइट है उसी पे जाके जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसी को आगे फॉरवर्ड करें, डोंट यू नो गेट इनटू र्यूमर्स। तो मरकरी, हालांकि द गुड न्यूज़ इज मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो गया है, और मरकरी जो है शतभिज नक्षत्र से भी आज मूव कर गया है। देखिए, हम जो है इंडिया की हॉरोस्कोप लेते हैं, इंडिया की हॉरोस्कोप जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि नेशनल लेवल पे होती है, तो उसको हम इंडिया की कंट्री की हॉरोस्कोप पे अप्लाई करते हैं। तो इंडिया के हॉरोस्कोप जो है 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे के हिसाब से जो है हॉरोस्कोप हमने कास्ट की हुई है, उसमें जो इंडिया का लग्न है वो टॉरस लग्न है, वृष लग्न है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है राहु और केतु का, ये इंडिया की हॉरोस्कोप में 2/8 एक्सेस पे आ रहा है, दूसरे घर में और आठवें घर में। अब जो आठवां घर है ज्योतिष में वो कोई बहुत अच्छा घर नहीं होता है। आठवां घर जो है वो सीक्रेसी का घर है, सडननेस का घर है, इलनेस का घर है, और वही एग्जैक्टली हो रहा है। और केतु और जुपिटर भी आठवें घर में ही है इंडिया के हॉरोस्कोप में। अनदर थिंग विच इज हैपनिंग इज राहु और केतु, जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी, प्लस अभी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब राहु केतु के ही एक्सेस में है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स के एक्सेस में आने से जो और बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उनकी जो बेनिफिकनेस है वो भी जो है कम हो रही है। राहु केतु इतनी स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो अभी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए जो है नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एन इलनेस।
तो अब व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर, अब आगे क्या हो रहा है। देखिए सन, सूर्य जो है 14 अप्रैल को मेष राशि में, एरीज में जाएंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि है, एग्जॉल्टेशन का साइन है। एग्जॉल्टेड जब सूर्य होंगे तो उनकी तेजी बढ़ेगी, उनकी गर्मी बढ़ेगी। ज्योतिष में हम सूर्य को लाइफ फोर्स मानते हैं, सूर्य है तो लाइफ है, सूर्य नहीं है तो लाइफ नहीं है। एंड जो सन रेज हैं उनमें कैपेसिटी होती है, उनमें पावर होती है टू किल द जर्म्स एंड द इलनेसेस एंड डिजीजेस। तो सूर्य का जो ट्रांजिट होगा ये इस प्रॉब्लम के लिए, मतलब जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छा होगा, बेनिफिक होगा। इससे जो है सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आनी चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट चेंज विच इज हैपनिंग वो है जुपिटर। जुपिटर इज प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल यहाँ पे। जुपिटर जो है वो केतु से हटेगा, केतु और जुपिटर अभी कंजंक्ट हैं और 8th हाउस में है इंडिया के, तो जुपिटर जो है मूव करके मकर राशि में जाएगा, शनि को ज्वाइन करेगा, केतु से दूर हटेगा, तो उससे भी जो है पोजिशन जो है सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आनी चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए वैसे तो इट इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम, अ डॉक्टर इज अ बेटर गाइड एंड एन एडवाइजर टू टेल यू कि क्या करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम एस्ट्रोलॉजी में मंत्र जो है वो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं और उनमें हीलिंग पावर्स भी होते हैं, और इन सब में सबसे पोटेंट और सबसे पावरफुल मंत्र है हेल्थ के लिए महामृत्युंजय। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी वेलबींग के लिए महामृत्युंजय का मंत्र जरूर करें। अपनी वेलबींग के साथ साथ और दुनिया में जो भी लोग हैं जो कि सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, उन सब की वेलबींग के लिए भी महामृत्युंजय का मंत्र जरूर करें। लेट अस ऑल प्रे टू लॉर्ड शिवा फॉर हिज ब्लेसिंग्स, दैट ही ब्लेसेस ऑल ऑफ अस विद गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। प्लीज टेक केयर।